बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। किचन हमारा ज़ायका आपका में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो ब्रेड और दो एग्स अंडे से बनने वाली रेसिपी। ये रेसिपी आप इफ्तार के लिए भी बना सकते हैं, टी टाइम में भी बना सकते हैं। इस स्नैक को बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार है। तो मैंने दो ब्रेड को इस तरह पानी से भिगो लिया था और उसको पानी सारा पानी निचोड़ लिया है। और ये दो बॉईल किए हुए अंडों को हम क्रश कर लेंगे इस तरह। तो देखिए हम, और इसमें क्रश करने के बाद जो इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे, बहुत ही झटपट और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी है, कम टाइम में। ज़रूर ट्राई करिए आप इस रेसिपी को, और रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ना भूलें। तो ये देखिए, हमने आधे कप प्याज ली है चॉप की हुई, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर, धनिया हरा धनिया और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छा से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत ही जायकेदार बनेगी ये चाट मसाले और अमचूर पाउडर से। और 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर मिलाया है इसमें। तो इस तरह हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको एक टिक्की बना लेंगे। दो ब्रेड और दो अंडों से 10 से 12 आसानी से बन जाएगी ये रेसिपी। तो इस तरह हम ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे टिक्की को ऐसे ही बना रहे हैं। देखिए 10 से 12 आसानी से बन गए हैं ये। हमने ऑयल गरम के लिए पैन में डाल लिया था, तो ऑयल गरम हो चुका है। अब एक एक टिक्की हम इसमें फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद हम इसे पलट लेंगे, ताकि एक साइड अच्छे होने के बाद इसे टच करिएगा, वरना ये टूट जाएंगे। तो देखिए इतने अच्छे से कलर आ चुका है इसमें। हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसको साइड पलट दी है। दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।